और खेद करे सन जो सरकार दे कंदिया ते, खेद करे सन जो सरकार दे कंदिया ते, सानू असवारे जे तक पुले मदनी दे रुख सारी दे तक खुले लई, हाकम जग दी हर शे आखर खुल गईए, हाकम जग दी शाखर हर शे खुल गईए, तहबा दे बाजारे जे तक खुले बोले नहीं, जाल दे अनवार अजे तक बोले नहीं, लोहे दे मीनारी अजे तक बोले नहीं, जाल दे अनवार अजे तक बोले रहमत का दीवान नजर आया, कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, तेरी सीरत और सूरत का अनवान नजर आया, माजाब है आंखें वो शम्स है रुख तेरा, अरे माजाब है आंखें वो शम्स है रुख तेरा, कुरान के चेहरे पे कुरान नजर आया, कुरान के चेहरे पे कुरान नजर आया। दूसरे जवकार आए, हम अपने आका अपने नबी मुकर्रम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको कितना नवाजते हैं। दोस्तों, हमारे आका तो अपनी सारी उम्मत पर इतना कर्म करते हैं, मगर जिनको मदीने पाक में जाने की हाजरी नसीब होती है वो कैसे लोग होते हैं। दोस्तों, जब वो हमारे आका सलातो सलाम के दरबार पर जाते हैं तो हमारे आका उनको कैसे नवाजते हैं। सुनाओ, उनके दरबार पे जो लोग सदा करते हैं, अरे उनके दरबार पे जो लोग सदा करते हैं, हर मुसीबत से वो महफूज रहा करते हैं, और जो उठती है तेरे अर्श खुदा की रहमत, जो उठती है तेरे अर्श खुदा की रहमत, जब गुनाहगार की खातिर वो दुआ करते हैं, और मेरे आका को मदीने में महबूब करो, आप आशिकों के सीनों में रहा करते हैं, जिक्र सरकार ने जिक्र खुदा है बल्ला, जिक्र सरकार ने जिक्र खुदा है बल्ला, इसीलिए हम मोहम्मद की सदा करते हैं, जिक्र सरकार ने जिक्र खुदा है बल्ला, इसीलिए हम मोहम्मद की सदा करते हैं। दोस्ताना जिम्मेदार, हमारे इश्क के अंदर यही है कि जिसका खाए उसी के गीत गाए, हम सब आशिक, सारी दुनिया सैयद के टुकड़ों पर पड़ रही है। मेरे दोस्तों, हम अपने मुर्शिद की बात करते हैं, अपने दिल का आशिक जगाकर अपने दिल में इश्क का जो रोशन नूर है उस नूर को एक बार जगाकर सब दोस्त मिलकर कर गए। इधर देख परवाज शहबाज बने, इधर देख परवाज शहबाज बने, बड़ा तेज रफ्तार कोई जा रहा है, बल कहकशा एदा पता करो, बल कहकशा एदा पता करो, बड़े शौक नहीं दे गा रहा है, ते जहरा चंद तारीख नू कहन लगे, तेरे तो अगे कोई चपना पा रहा है, ते गैबत किसे हाफिज आवाज दिती शहजादा मुस्तफा दा आ रहा है, दिखा तो किसे हाफिज आवाज दिती शहजादा मुस्तफा दा आ रहा है, जेले ने खुदा
मुस्तफा दे, जलने आशिक मुस्तफा दे, आज नारे खुशियां दे, लारे ते मेरा सारा मुर्शिद सैयद दुश्मन मुज्तबा, मेरा सारा मुर्शिद सैयद दुश्मन मुज्तबा, बैठ मिंबर ते जिक्र सुना रे अपने मुकद्दर दे नाज करो हाफिज सैयद हुकम फरमा रे बैठा दे इस महफिल विच लाल फातिमा दा बैठा दे इस महफिल विच लाल फातिमा दा पर फैज दरख्त मदीनियों आ रहे है बैठा दे इस महफिल विच लाल फातिमा दा पर फैज दरख्त मदीनियों आ रहे है आए। अब हम अपने इमाम हजरत इमाम हुसैन की बात करते हैं। कौन हुसैन? कौन हुसैन? यजीद गंदा उचक्का नंगा, यजीद गंदा उचक्का नंगा, हुसैन आला हुसैन चंगा, यजीद सारा हेर बेरे, यजीद सारा हेर बेरे, हुसैन शेरे खुदा का शेरे। कौन हुसैन? दोस्तों ने वकार, जब हम कलमा पढ़ लेते हैं तो हम कहते हैं हम मुसलमान हो गए। जब कोई छोटी सी, जब कोई इतनी जरा सी भी हम पर चोट लगती है, जब हम पर छोटी सी भी आजमाइश आती है तो हम कहते हैं अल्लाह हमारे साथ जो कैसा इंसाफ करता है, अल्लाह हम तेरे बनते हैं, हमारे साथ कैसा इंसाफ करते हैं। दोस्तों आप कलमा तो पढ़ते हैं, आपने कलमा तो पढ़ लिया, जब आप पर कोई आजमाइश आ जाती है तो आप कहते हैं अल्लाह हमारे साथ कैसा इंसाफ करता है। दोस्तों तुम लाइला तो पढ़ लीजा, अरे लाइला तो पढ़ लीजा, अब ले मजा तसीर का, लाइला तो पढ़ लीजा, अब ले मजा तसीर का, लाइला की तख्त के नीचे खून है शब्बीर का। दोस्तों जब तुम लाइला पढ़ लेते हो मगर कहते हो कि अल्लाह अल्लाह ताला हम पर कैसा जुल्म हो रहा है। दोस्तों एक बात याद रखो, जब आप पर कोई मुसीबत आ जाए, आप पर कोई आजमाइश आ जाए तो आप पर बुलाते वाकया को याद कर लिया करो कि कैसे उन मुसीबत को जुल्म किया गया था, तो आपको कभी भी कोई चोट भी महसूस नहीं होगी। अरे ला इलाह तो पढ़ लीजा, अब ले मजा तहसीर का, ला इलाह की तहत नीचे खून है शब्बीर का। ए ला इलाह पढ़ने वालों, ला इलाह से पूछ लो, ला इलाह तो बच गया गर्म के गया शब्बीर। दोस्तों साथ एक हाथ बुलंद करो, मिलकर बोलो जरा नारे तकबीर, और कोई हाथ नीचे नहीं, सारे मिलकर जरा बोलो नारे तकबीर, बोल बोल मेरे वीर नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे रिसाल, नारे तहकी, नारे हैदरी, नारे वोसिया। दूध पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या पढ़िए रसूल अल्लाह वसल गुजर
जा
ऐसा मौजू है कि जिसमें हर आंख नम हो जाती है, लेकिन वक्त के दामन में जगह नहीं है। आएगा तक नगरी लाहौर लिए चलता हो, वहां से तशरीफ लाए हुए हमारे मेहमान सना खान शोज और गुनाज बड़ी आवाज इंतहाई अदब के साथ दरख्वास्त गुजार हूँ, साहिबजादा हसनैन अहमद हमदानी साहब आप तशरीफ लाए और करीम लजपाल आका की बारगाह में गुलदस्ता अकीदत मोहब्बत पेश करने की सआदत हासिल फरमाए। मोहब्बत से जितने अरबाब बैठे हैं सारे एक दफा सरकार के बारगाह में इस अकीदे से दरूद पढ़ें कि हम पढ़ते हैं ज़हरा के बाबा हुसैन के नाना हमारा दरूद सुनते भी हैं और उसका जवाब भी देते हैं। बुलंद आवाज़ से पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।